गाइज, अगर टेक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 15,000 रुपये के बजट वाले काफी सारे लोग होते हैं। ऑलमोस्ट 60-70% जो लोग होते हैं ना, वो 15,000-16,000 रुपये तक का फोन परचेज करना पसंद करते हैं, क्योंकि उस प्राइस सेगमेंट में जो है ऑलमोस्ट सारे फीचर कवर हो जाते हैं जो जो नॉर्मल ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है। उस अकॉर्डिंग जो है हम 15,000 रुपये के प्राइस की अगर बात करते हैं तो दो फोन जो है बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो कि है पोको का M2 Pro और रियलमी का लेटेस्ट डिवाइस Realme 7। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट है, तो वो जो है हम आज डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में क्या-क्या कवर करने वाला हूं। कैमरा कंपैरिजन का हमारा मेन पार्ट रहेगा इस वीडियो में, मतलब कैमरे को हम जो है डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं एक-एक चीज को लेके। आपको जो है यहां पे टाइम दे दूंगा, अगर आपको ओनली कैमरा देखना है तो इस टाइम पे चल जाओ, क्योंकि हम उससे पहले जो है थोड़ी बहुत चीजें और भी कंपेयर करने वाले हैं। और बात कर लेते हैं इसके अलावा जो हम डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस सभी को लेकर बात करने वाले हैं। अगर आपका बजट है 15,000 रुपए तक का तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट हो पाएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो यार आपको बता दूं कि मेरे पास अभी जो है दोनों फोन अवेलेबल है, पोको का M2 Pro और साथ में अवेलेबल है रियलमी का 7। हम करने वाले हैं डिटेल में कंपैरिजन। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही फोन की बिल्ड क्वालिटी को लेके। बात करते हैं स्क्रीन साइज की, तो दोनों ही फोन जो है कॉम्पैक्ट है, 6+ स्क्रीन के साथ में आते हैं, मतलब 6 इंच के प्लस स्क्रीन साथ में आते हैं। जहां पे बात करता हूं पोको M2 Pro की, 6.67 इंच का डिस्प्ले है, और Realme 7 की बात करते हैं तो 6.5 इंच का डिस्प्ले है। दोनों ही फोन हैंडी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती दोनों ही फोन में। लेकिन वहीं अगर मैं जो है बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूं तो दोनों का ही जो है फैब्रिक अलग-अलग है। पोको M2 Pro की बात करता हूं तो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको जो है देखने को मिल जाता है फ्रंट साइड में, एंड गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिलता है यहां पे Realme 7 के अंदर। तो बिल्ड क्वालिटी में ऑब्वियस स्क्रीन जो है बेटर रहेगा पोको का M2 Pro। लेकिन इसके अलावा बात करने वाले हैं हम बैक डिजाइन के बारे में, तो पोको M2 Pro में वही आपको जो है ग्लास बॉडी देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा Realme 7 की बात करते हैं तो वो है पॉलीकार्बोनेट बॉडी। दोनों ही फोन जो है लुक वाइज में शाइन करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे जो है दोनों ही फोन एक दूसरे को टक्कर देते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि आपको Realme 7 में जो है पॉलीकार्बोनेट बॉडी मतलब प्लास्टिक बॉडी का यूज किया गया है। इसको मैं इतना चीप क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं बोल सकता हूं, एक अच्छा शाइन करता है और ड्यूरेबल भी है। बात करते हैं M2 Pro की, तो यहाँ पे जो है डिजाइन बेटर हो जाता है क्योंकि ग्लास बॉडी के साथ में, और ड्यूरेबिलिटी के मामले में आप देख सकते हो अगर गिर गया तो देख सकते हो कौन सा फोन ज्यादा जो है टूट सकता है। वहीं अगर मैं जो है दोनों ही फोन के डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करता हूं तो दोनों में ही सेम स्क्रीन है IPS स्क्रीन के साथ में। लेकिन आपको Realme 7 के अंदर जो है 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलेगा। वहीं बात करता हूं पोको M2 Pro की, तो वहां पे ओनली 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, तो थोड़ा बहुत आपको यहां पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं दोनों ही फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोनों ही फोन के परफॉर्मेंस में काफी अच्छी टक्कर होती है, क्योंकि हेलियो G95 चिपसेट यूज किया गया है Realme 7 के अंदर, जो कि काफी अच्छा चिपसेट है, गेमिंग परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा जो है यहां पे स्मूथ रन करता है। बात करते हैं यहां पे Poco M2 Pro की, तो वहां भी कोई छोटा मोटा चिपसेट यूज नहीं किया, Snapdragon 720G काफी अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि अगर इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो दोनों ही चिपसेट जो है एक दूसरे को काफी अच्छे से बीट कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं तो दोनों ही फोन जो है काफी स्मूथ काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब अगर परफॉर्मेंस के मामले में अगर आपको स्पीड कंपैरिजन देखना हो तो हमने जो है एक स्पीड कंपैरिजन किया है, आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगा, जहां पर आपको एक्यूरेट परफॉर्मेंस पता लग पाएगी कि कौन सा फोन जो है एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में क्लोज करता है और कौन सा फोन जो है नहीं क्लोज करता है। तो आपको जो है डिटेल में देखना है तो स्पीड कंपैरिजन जरूर देखना, लेकिन परफॉर्मेंस में जो है दोनों ही फोन एक दूसरे को बीट करते हैं, कोई हम यहां पर जो है दोनों में ही कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। और अब आते हैं हम दोनों ही फोन के कैमरा परफॉर्मेंस को लेकर। कैमरा परफॉर्मेंस को हमने डिटेल में कंपैरिजन किया है, आप ये पूरा देखना कैमरा कंपैरिजन, जिसमें हमने जो है लो लाइट फोटोग्राफी और साथ में जो है यहाँ पे वाइड एंगल डेप्थ को कवर करके लिए पूरा बताया है। अगर आपको यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन पसंद आए तो जरूर से देखना कैमरा कंपैरिजन, मजा आएगा आपको। गाइज यहाँ पर अगर हम कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो Realme 7 में यूज किया गया है 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जहां पर सेंसर यूज किया गया है सोनी का MX682। बात करते हैं पोको के M2 Pro की, वहां यूज किया गया है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जहां पर सेंसर यूज किया गया है वो है सैमसंग का GM2 सेंसर। अब करते हैं यहाँ पे दोनों ही फोन में कंपैरिजन। देखो अगर हम यहाँ पे पिक्सल में नहीं जाते हैं, बात करते हैं क्वालिटी की, तो देखते हैं क्वालिटी में कौन सा फोन जो है बेटर रहने वाला है।
देखो यहाँ पे जो है स्लो मोशन हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। अगर बैटरी कंडीशन की बात करते हैं तो पोको M2 Pro जो है ज्यादा ब्राइट अंदर देता है, मतलब फोटो जो है स्मार्ट से कैप्चर करता है ज्यादा ब्राइट लाइट कंडीशन में। एंड वहीं अगर हम स्लो मोशन की बात करते हैं यहाँ पे Realme 7 की, तो थोड़ा सा आपको डलनेस मिल जाता है कंपेरिजन अगर हम यहाँ पे पोको M2 Pro से करते हैं तो। और यहाँ पे बता दूं आपको हल्के हल्के से फ्रेम ड्रॉप्स आपको जो है दोनों में देखने को मिल जाते हैं सुपर स्लो मोशन के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो गाइज हमने यहाँ पर इमेजेस कैप्चर की है, देख सकते हैं जैसे कि आपने, ये है पोको M2 Pro से कैप्चर की गई और Realme 7 से कैप्चर की गई, जहां पर आपको AI की मदद से Realme 7 के अंदर जो है ग्रीनरी का ऑप्शन मिल जाता है जो कि उसको ग्रीन कर देता है। अगर हमने यहां पे पेड़ पौधे की फोटो कैप्चर की है तो वो काफी ज्यादा अच्छी दिखती है AI की मदद से Realme 7 के अंदर। वो वाला ऑप्शन आपको पोको M2 Pro के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब पोको M2 Pro में जो है बिल्कुल लाइट लाइट सी आपको जो है इमेजेस देखने को मिल रही है अगर ग्रीनरी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे। और इसके अलावा दोनों में ही सिमिलर सी फोटो कैप्चर करने की कोशिश की है Realme 7 और इसके अलावा जो है पोको M2 Pro के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे Realme 7 जो है थोड़ी सी ज्यादा जो है ब्राइट आ रही है, मतलब अगर यहाँ पे लाइट की कंडीशन की बात करते हैं तो अब यहाँ पे बीच में देखिएगा तो यहाँ पे जो पेड़ है उसके बीच में जो है लाइट ज्यादा आ रही है कंपेरिजन पोको M2 Pro के। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों ही फोन में एक अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है, लेकिन आप बताना कि आपको जो है कौन सी क्वालिटी ज्यादा बेटर लग रही है रियर कैमरे की, तो जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। और वहीं अगर मैं सेकंड वाली इसकी इमेज की बात करूं लाइट कंडीशन के अंदर, तो जो यहाँ पे हम रैंप है जो क्रॉसिंग रैंप है उसका जो है यहाँ पे कलर ही बिल्कुल पोको M2 Pro ने चेंज ही कर दिया है, जो कि है एक्चुअल कलर ही लाइट कलर था जो मैंने अपनी आईज से देखा था। पोको M2 Pro के अंदर उसने जो है डार्क करके उसको कलर को थोड़ा सा इनहेंस कर दिया है, मतलब क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन वो एक्यूरेट सी नहीं लग रही है क्योंकि एक्चुअल जो कलर मैंने देखा था वो वाला रैम का कलर है Realme 7 वाला जो कि हम ऑलरेडी इमेज के अंदर देख रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट इमेज की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बारिश का टाइम हो रहा है और बारिश के टाइम होने के साथ साथ यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो टाइम हो रहा है वो लगभग 6:30 बज रहे हैं शाम के, तो ये वाली जो इमेज देख रही है अब यहाँ पे क्वालिटी देखिए, मुझे जो पोको M2 Pro की है वहाँ पे स्काई का कलर जो है बेटर लग रहा है। और यहाँ पे बात करते हैं Realme 7 की, तो बिल्डिंग का कलर मुझे एक्चुअल दिखाई दे रहा है Realme 7 में, लेकिन अगर स्काई कलर की बात करता हूँ तो मैंने जो अपनी आई से देखा था वो मुझे जो है पोको M2 Pro के अंदर जो है ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो है ये वाली आप इमेज देखिए, यहाँ पर तो पोको M2 Pro ने कलर ही चेंज कर दिया, मतलब जो वो होता है लाइट के जो खंभा होता है वहां पर जो है ऑलमोस्ट जो है ग्रे कलर था, मतलब ग्रे से हल्का सा लाइट कलर था जो कि एक्चुअल कलर आप देख रहे हैं Realme 7 के अंदर। मुझे जब ये इमेज कैप्चर कर रहा था ना तो मुझे एकदम से हंसी आ गई कि पोको M2 Pro ने उसको ब्लू कलर ही बना दिया है, मतलब कलर ही चेंज कर दिया उसका। तो यार देखो यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन आपको जो है कैमरे की देखने को मिल जाती है, कुछ चीजें आपको Realme 7 में बेटर मिलती है और कुछ चीजें पोको M2 Pro के अंदर बेटर मिलती है। ये वाली इमेज आप देख रहे हैं वाइड एंगल के साथ में जो है कैप्चर की गई है, एक अच्छी क्वालिटी जो है दोनों में देखने को मिल जाती है। स्काई कलर की दिक्कत है यहाँ पे Realme 7 के अंदर, मतलब वो परफेक्टली जो है कैप्चर नहीं कर पाता स्काई कलर की बात करते हैं तो। और एक और बात करते हैं, ये वाली है मैक्रो शॉट जो कि हमने घड़ी की कैप्चर की है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है Realme 7 के अंदर मैक्रो के साथ में जो है बैकग्राउंड ब्लर कर देता है। वहीं हम बात करते हैं मैक्रो लेंस के साथ में जो है पोको M2 Pro बैकग्राउंड ब्लर नहीं करता है मैक्रो लेंस के अंदर, तो यहाँ पे क्वालिटी वाइज में आप खुद ही देख सकते हैं। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, ये हमने एक और जो है क्लोजअप शॉट लिया है बैकग्राउंड ब्लर करके, मतलब जो है पोर्ट्रेट मोड पे पोको M2 Pro वही सेम चीज बोलूंगा, बिल्कुल कलर ही चेंज कर दिया वहां पे पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी। Realme 7 के अंदर वो जो है कलर चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो है एक अच्छी कंडीशन आपको जो है लाइट देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा जो है थोड़ी सी डार्क लाइट कंडीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है लाइटिंग ऑन हो गई है, आप ये देखिए बोर्ड की लाइट, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कलर है वो मुझे पोको M2 Pro के अंदर जो है ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करता हूँ तो पिक्चर क्वालिटी जो यहाँ पे जो घर दिखाई दे रहा है सामने या फिर जो है गाड़ी दिखाई दे रही है वो जो है मुझे चीज क्वालिटी जो बेटर लग रही है वो है Realme 7 के अंदर कंपेरिजन पोको M2 Pro के अंदर। यहाँ पे पोको M2 Pro में ओनली जो है आउटडोर जो कलर्स हैं वो थोड़े से ज्यादा बेटर लग रहे हैं कंपेरिजन Realme 7 के। अब पता नहीं Realme 7 ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब जो है उसका कलर जो है या फिर बैकग्राउंड को जो कलर है वो थोड़े से हल्के हल्के चेंज कर देता है। और अब चलते हैं फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस की तरफ, जहां पर बात करते हैं फ्रंट कैमरा किसका अच्छा मिल जाता है, क्योंकि दोनों ही फोन में जो है 16 मेगापिक्सल का आपको जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। क्वालिटी वाइज आप यहां पे देखिए, जो कि पोको M2 Pro की मुझे क्वालिटी रियली में पसंद आ रही है कंपेरिजन Realme 7 के। पोको M2 Pro का अगर आप जो है बैकग्राउंड देखते हैं तो वो भी बिल्कुल क्लीन एंड अच्छी दिखाई देती है पोको M2 Pro के साथ में। बात करते हैं इसी के अंदर सेकंड वाली इमेज की, आप यहां पे बताओ कि वही सेम चीज आपको बोलना चाहूंगा, पोको M2 Pro में जो
बैकग्राउंड है वो ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है कंपेरिजन रियलमी 7 के। आप बताना कि आपको जो है कौन सी क्वालिटी अच्छी लगी है। और अब यहाँ पे बात करते हैं कैमरा रिकॉर्डिंग के बारे में। आप देखो कि यहाँ पे जो है कैमरा रिकॉर्डिंग कौन से फ़ोन की बेटर है। तो अगर हमने यहाँ पर डिजाइन, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, कैमरा कंपेरिजन को डिटेल में कंपेयर कर लिया है तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों ही फोन में जो है बैटरी है 5000 mAh की बैटरी। हमने इसी चैनल पे जो है बैटरी ड्रेन कंपेरिजन किया है पोको M2 Pro वर्सेज रियलमी 7 Pro। होप आपने देख लिया होगा। अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से आप देखना, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा यहाँ पे लिंक, और आप जो है नहीं देखा है तो जरूर से देखना, काफी इंटरेस्टिंग है वो भी। यहाँ पे हमने रियलमी 7 Pro सभी फोन्स को लिया है इस सेगमेंट में, तो जरूर से देखना। बात करते हैं चार्जिंग सपोर्ट के बारे में। चार्जिंग भी हमने वहीं पे टेस्ट किया है तो वो वीडियो आप जरूर देखना, दोनों वीडियो, एक स्पीड कंपैरिजन और साथ में जो है हमने बैटरी ड्रेन बैटरी चार्जिंग कंपैरिजन किया है, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। 15000 रुपए के प्राइस में कुछ चीजें पोको M2 Pro में बेटर मिलती है और कुछ चीजें रियलमी 7 में बेटर मिलती है। तो बस यार ये था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया, जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके बताना कि आपका क्या मानना है, रियलमी 7 बेटर है या फिर पोको M2 Pro बेटर है, अपने अकॉर्डिंग जो है चूज कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स जो देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।